हेलो एंड वेलकम टू एमक्रेज का, मेरा नाम है मित्र और सवाल संडे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से आ गई हूं नए सवालों के साथ और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। हो सकता है कि आपका भी सवाल इस सीरीज में हो, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही है क्या करना है, और जो नए हैं उनको नहीं पता बता देती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा के सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते सवालों की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है एकता गोयल जी का। तो एकता गोयल जी, हाय सबसे पहले और थैंक यू। एकता गोयल जी ने बोला है, इतनी बालकनी है, आप चाहती तो बाहर वाला बालकनी में को रूम में कन्वर्ट कर सकती थी। डेफिनेटली यस, बाहर वाले बालकनी को जो है, मेरी रूम टूर, होम टूर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए जाके, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और उन्होंने बोला उसमें मेरा बालकनी है, तो अच्छी खासी लेंथ की बालकनी है, तो उन्होंने बोला है बालकनी को भी आप रूम में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर एक्सटेंड कर सकते हो अपने हॉल में, अगर बालकनी तो हॉल को भी एक्सटेंड कर सकते हो और बालकनी को अंदर लेके उसको एक रूम बना सकते हो। तो वो एक सजेशन एकता जी का था, तो इट्स अ नाइस सजेशन। वैसे बना बिल्कुल सकते हैं, नो डाउट, बिल्कुल आप उसको रूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, रूम को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ना बालकनी से बहुत ज़्यादा लगाव है, बालकनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपने मेरी बालकनी वीडियो नहीं देखी है, बालकनी टूर भी मैंने आपको कराया, अगर वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। मुझे बालकनी में बैठना, फैमिली के साथ गप्पे मारना और टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश लगता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं बालकनी को रूम में बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं करना चाहती हूँ एकता जी, क्योंकि आपने रीज़न तो सुना है, क्योंकि मुझे बालकनी से बहुत ज़्यादा लगाव है। एक्चुअली बालकनी अगर रूम में कन्वर्ट हो जाएगी तो बालकनी ही नहीं रहेगी और एकदम बन बन सा रूम रहेगा और अच्छा नहीं लगेगा, यू नो, फ्रेश नहीं लगेगा। तो बालकनी की मज़ा ही कुछ और है, तो इसलिए मैं उसको रूम में कन्वर्ट नहीं करना चाहती। वेल, दैट्स अ वेरी गुड सजेशन। अगर किसी को करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप, अगर आप चाहते हो तो, मैं तो नहीं करूँगी, लेकिन आप अगर चाहते हो तो एक आइडिया है कि रूम, मतलब बालकनी को जो अंदर लेके आप एक बड़ा सा रूम बना सकते हो उसके लिए। सेकंड है देलान सिंह लोधी जी। हाय देलान जी, हाउ आर यू। देलान जी ने बोला है, ये मशीन कितने की है मैम? मैम जी प्लीज़ प्राइस बताइए। तो उन्होंने बोला है सैमसंग की वॉशिंग मशीन, जो मैंने उसका रिव्यू दिया था उसमें देलान जी ने बोला है कि उसका प्राइस बताइए। उसका प्राइस मैंने एक्चुअली अमेज़ॉन से लिया था और मुझे, मैं आपको एक रफ आइडिया बताती हूँ, 15,000 से लेके 18,000 के बीच में आपको मिलेगा। मैं बीच में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने तब लिया था तो कितना डिस्काउंट था, और अभी आप लोगे तो कितना डिस्काउंट है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी उसका, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हो, अच्छा लगा तो परचेज़ भी कर सकते हो। तो 15,000 से 18,000 के बीच आप मान लीजिए उसका प्राइस पड़ेगा आपको, लेकिन बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छा मैंने एक चॉइस किया है सैमसंग का वॉशिंग मशीन का, जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ उसको लेकर। निधि जैन, हाय निधि, हाउ आर यू। निधि ने बोला है, व्हाई नॉट यूज़ प्लास्टिक इन डिशवॉशर। तो डिशवॉशर के लिए निधि जी ने बोला है कि प्लास्टिक क्यों नहीं यूज़ कर सकते। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन निधि जी। डिशवॉशर जो है गर्म पानी से बर्तन धोता है, और गर्म पानी से मतलब आप जैसे बच्चों का जो बर्तन होता है आपने एक सुना होगा, स्टेरिलाइज करते हैं उसको, गर्म करते हैं पानी में डाल के, तो वैसा ही डिशवॉशर हमारे बर्तनों को स्टेरिलाइज करता है गर्म पानी में। तो गर्म पानी प्लास्टिक, तो आपको पता ही है फिर क्या हाल होगा प्लास्टिक का, तो इसलिए प्लास्टिक डिशवॉशर में नहीं डालते हैं। ओके, अजाज हुसैन जी, हाय अजाज जी। अजाज जी ने बोला है, किचन का इंटीरियर डिज़ाइन का कॉस्ट कितना लगा? अजाज जी, मुझे किचन का जो कॉस्ट है मुझे लगा है 1,10,000 उसका जो कॉस्ट है। मैंने बहुत सारा बनाया यूनिट्स, आप देख, आपने देखा है, देखा ही ये वीडियो, नीचे भी, यहाँ भी और ऊपर भी एल शेप में बनाया है, तो मैंने ऐसे काफ़ी सारे यूनिट्स बनाए हैं, तो मुझे, और मैंने मटेरियल यूज़ किया है मरीन प्लाईवुड का, तो मुझे 1,10,000 पड़ा है। रश्मि जी, रश्मि महाडिक जी, हाय रश्मि जी, हाउ आर यू। एंड रश्मि जी ने बोला, नाइस वन, आप कहाँ रहते हो? वेल रश्मि जी, मैं मुंबई में रहती हूँ। और किचन प्लाजा, किचन प्लाजा ने बोला है, मुझे 4 बर्नर के गैस स्टॉप लेना है अमृता, प्लीज़ नेक्स्ट संडे बताना मैं कौन सा लूँ, बहुत कन्फ्यूजन हो गई है, रिव्यू वगैरह देख देख के बहुत कन्फ्यूजन हो गई है, प्लीज़ बताना। यस डेफिनेटली आप ले सकते हो, मैं आपको 2-3 चॉइस बता देती हूँ, आप उसमें से अपनी चॉइस का ले सकते हो। एक तो पिजन है, एक तो मैं कम प्राइस का और अच्छा वाला बता रही हूँ, पिजन है, प्रेस्टीज का है, सनफ्लेम का है, तो ऐसे 3-4 ब्रांड्स हैं जिसको आप देख सकते हो, ले सकते हो। मैं चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके भी परचेज कर सकते हो, उसकी फ़ीचर्स देख सकते हो, आप जो आपको मतलब अच्छा लगा आपके चॉइस के हिसाब से आप देख सकते हो, लेकिन ये जो है अच्छे प्राइस में अच्छी खासी वारंटी के साथ आपको मिलेगा, जो ये मैंने ब्रांड्स बताया उसके बारे में।
नेक्स्ट है राजेश्वरी गीता जी। हाय राजेश्वरी जी, राजेश्वरी जी बोल रहे हैं, मैम सोफ़ा इतना सस्ता कहाँ, कैसे मिला आपको? वेल सोफ़ा मैंने लिया है उल्लासनगर फर्नीचर मार्केट से। अगर आप मुंबई में हो, मुंबई से हो राजेश्वरी जी, तो आपको पता होगा। अगर नहीं हो तो आप गूगल कर सकते हो। वेल उल्लासनगर फर्नीचर मार्केट से मुझे वो सोफ़ा मिला है, मतलब ख़रीदा है। ओके तो मोस्टली मेरे जो फर्नीचर है मैंने वहीं से ख़रीदा है, क्योंकि वहाँ पे बेस्ट और अच्छा रेट में, आपके बजट के रेट में, आपको होलसेल मार्केट है, बजट के रेट में आपको मिल जाता है, और इसलिए मुझे वो सस्ते में मिला। तो आज के लिए इतने ही सवाल। आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। मैं एवरी संडे आपके सवालों का जवाब लेके आती हूँ। और आपको तो पता ही है क्या करना है, अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए और प्लीज़ कर दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है, काफ़ी लोग वीडियो तो देख के जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, कर लो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन के साथ करो, कोई पैसा नहीं लगेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आपको जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ आपको नोटिफिकेशन उसकी मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।